भोपाल नगर निगम अब अपने खाली खजाने को भरने के लिए सख्ती बरतने जा रही है। नगर निगम बस स्टैंडों से हो रही आय को बढ़ाने के लिए बस स्टैंड के बाहर खड़ी होने वाली बसों पर सख्ती करके उन्हें बस स्टैंड के अंदर खड़ी करवाएगा। इससे आम आदमी को ट्रैफिक से भी निजात मिल सकेगी। अपने खाली खजाने को भरने के साथ साथ नगर निगम अब राजधानी भोपाल के खराब होते ट्रैफिक से भी चिंता में है। इसको लेकर रविवार को नगर निगम मुख्यालय में एक बैठक हुई। बैठक में नगर निगम के अलावा बीसी सीएल और ट्रैफिक पुलिस के भी अधिकारी मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि आईएसबीटी के बाहर खड़ी होने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें आईएसबीटी के अंदर खड़ा किया जाएगा, जिससे निगम को राजस्व की आय हो सके। इसमें हमारे अपर आयुक्त महोदय एमपी सिंह साहब भी हैं और हमारे जो पुलिस विभाग भी इसमें है, क्योंकि हमारी एक मेन समस्या यहाँ पे आ रही थी कि जो बसें अंदर डिपो के अंदर खड़ी होना चाहिए आईएसबीटी के अंदर, वो अंदर खड़ी नहीं जा रही, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरे चक्कर जाम की स्थिति बनी हुई है। काफी दिनों से हमारे जो यहाँ के बीसीएलएल के कर्मचारी उनको समझाइश दी नहीं, लेकिन एक दबंगाई उन लोगों में ऐसी है कि उन किसी की नहीं सुनते। अब प्रशासनिक तौर पे उनका हम उन पे थोड़ा सा जोर देके ये काम हम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे अतिक्रमण भी काफी बढ़ गया था, उसको भी अभी से कार्रवाई इधर चालू हो गई। कार्रवाई क्या लगातार चलती रहेगी। हमारा यातायात जो विभाग है पुलिस से संबंधित, वो भी हमारे सहयोग में रहेंगे। उनके आईएसबीटी के अंदर खड़ी करने पर एक बस को ₹40 टैक्स देना पड़ता है। टैक्स बचाने के फेर में बस संचालक अपनी बसें बाहर खड़ी कर देते हैं। इसको सख्ती के साथ सोमवार से लागू किया जाएगा। इसमें अतिक्रमण दस्ता भी मौजूद रहेगा। अभी है कि हमारा जो अतिक्रमण दस्ता है और पुलिस के सहयोग से हम उनपे कार्रवाई करेंगे और उनको ये सुनिश्चित कराएंगे कि जहाँ पे निर्धारित स्थान है वहीं पे। दरअसल निगम कर्मियों की लापरवाही के चलते निगम को राजस्व की काफी हानि उठानी पड़ रही है। निगम अब ऐसे संचालकों पर भी कार्रवाई करेगा जो आईएसबीटी के अंदर बसें खड़ी नहीं करते हैं। निगम के इस कदम से निगम को कुछ हद तक राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़, भोपाल।